न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई सफाई व्यवस्था संबंधित बैठक। सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित होने के लिए जोनल अधिकारी नियुक्त करने के दिए निर्देश। आईजी जय नारायण सिंह के एडीजी पद पर पदोन्नति पर पुलिस के आला अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर दी बधाई। एसएसपी, एसपी, एएसपी, सीओ सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। जन समस्याओं को लेकर सदर सांसद ने महापौर और बीजेपी पार्षदों के साथ की बैठक। समस्याओं के निराकरण के लिए तय की रणनीति। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत तहसील सभागार में मंडलायुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने की किया अपील। सदर सांसद एवं फिल्म अभिनेता रवि किशन ने गोरखपुर की जनता को शारदीय नवरात्र की दी हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के पूर्व दिवस पर सहजनवा तहसील सभागार में जिलाधिकारी के विजय पांडेन की अध्यक्षता में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने प्लास्टिक के प्रयोग को प्रतिबंधित करने की दिलाई शपथ। सदर सांसद रवि किशन ने सफाई व्यवस्था को लेकर किया नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक। सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए जल निकासी के लिए निगम के अधिकारियों को दिए निर्देश। मंडलायुक्त जयंत नालीकर की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। 3 दर्जन से अधिक फरियादियों की सुनी गई फरियाद, किया गया मामलों का निस्तारण। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सभी तहसील मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सदर सांसद रवि किशन ने किया केजरीवाल पर पलटवार, कहा बिहार और यूपी के लोग ही करते हैं देश का नेतृत्व, चुनाव में पता चल जाएगा अरविंद केजरीवाल को। सहजनवा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी के विजय पांडेन की अध्यक्षता में हुई संपन्न। फरियादियों की समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण करने का दिया निर्देश। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन श्री गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ में किया गया मां चंद्र घंटा का विधिवत पूजा पाठ, की गई आरती, वितरित हुआ प्रसाद। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक संघ ने तहसील दिवस का किया बहिष्कार। तहसील सदर परिसर पर दिया धरना, किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। शारदीय नवरात्र में बुढ़िया माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दूर दूर से आते हैं भक्त दर्शन करने को। नारियल चुनरी चढ़ाकर माँ की पूजा अर्चना। जिला चिकित्सालय में 33 संविदा कर्मियों को निकाला गया बाहर। ऑनलाइन पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम हुआ ठप। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने शुरू की मैनुअल वैकल्पिक व्यवस्था। सहजनवा तहसील पर भी समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रभात फेरी का किया जाएगा आयोजन। शहर के 5 विधानसभा में निकाली जाएगी पदयात्रा। ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस के बैनर तले बीएसएनएल कर्मियों ने वेतन भुगतान निजीकरण के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई और 150 दीपकों से जलाई गई ज्योति। और अकीदत के साथ मना हजरत तोता मैना शाह का उर्स पाक। घोड़ा, बग्गी और बैंड बाजा से सजे जलूस की झांकियां दे रही थी कौमी एकता का संदेश।